अरे भाई ये क्या है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे बैंगन के पौधे का पौधे में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। और जी आप देख रहे हैं मधुमक्खी, ये 3-4 साल हो गए जो यहीं रहती हैं, और दीवार के अंदरों अंदर ही पता नहीं इनका छाता कहाँ है, जो नज़र तो आता नहीं है। और देखिए बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और देखिए कैसी मधुमक्खी कितनी उड़ रही है, और फिर जी इसी जगह पर आन के बैठ जाएंगे। तो इस बार भी हमारे नींबू पर काफ़ी फल आया हुआ है और बहुत सारी फ्रूटिंग, और अभी भी फ्लावरिंग भी हो रही है और फल भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो मैंने पहले भी बैंगन के पौधे लगाए थे, लेकिन ये कलर नहीं था मेरे पास वाइट का। तो ये वाइट बैंगन है, इस पर मैंने कोई भी स्प्रे नहीं करी। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा है जी, बिल्कुल प्योर वाइट है, ऐसे लगता है जैसे एग है। तो इसको एग प्लांट इसलिए भी एग प्लांट बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अंडे की तरह नज़र आती हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छी इस बार इस पर फल आया है। तो जितनी हमारी फैमिली है, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। ये देखिए और भी है बहुत सारा फल इस। तो ये क्या है, ये देखिए हमारे बैंगन के जो पौधा है उसमें चिड़िया ने अंडे दिए हैं, ये देखिए। अरे भाई कमाल हो गया, ये देखिए बैंगन का पत्ता है, और बैंगन के पत्ते के साथ ही उसने घोंसला बनाया है, और घोंसले में अंडे दे दिए हैं। शायद आपको मैं दिखाता हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे जो, वो देखिए छोटे छोटे अंडे हैं इसमें। अरे मैंने तो देखा ही नहीं कभी चिड़िया को इधर आते हुए, तो वो देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे अंडे हैं इसमें, ये 4 अंडे हैं। और देखिए घोंसला कैसे बनाया है, बिल्कुल बैंगन के पत्ते के बीचों बीच। तो अब हम आज अपनी मशीन का जो ब्लेड है वो थोड़ा घिस चुका है, तो अभी हम इसे तीखा कराएंगे दुकान से। तो उसके लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा, ये नीचे जो ब्लेड लगा होता है ना जिससे ग्रास की कटिंग होती है, ये इतना तीखा नहीं है, तो इसकी धार थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो हम ये दोनों नट साइड वाले खोल के इसको निकाल लेंगे बाहर, और फिर दुकान से तीखा कराएंगे ब्लेड। तो ब्लेड हमने खोल लिया है, ये ब्लेड है मेन, इसका काम है कटिंग करना। और ये देखिए इसकी धार, देखिए कैसे ये जंक लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। और कभी कभार ऐसी मशीन कोई पुरानी हो जाती है तो हम फेंक देते हैं कि चलो नहीं ले आते हैं, कटिंग नहीं करती, लेकिन एक बार ये ट्राई करके देखें, ब्लेड खोल कर इस धार को अच्छी तरह से लगा लें, और फिर हम फिटिंग करेंगे, और उसके बाद मैं देखूंगा कि कितनी अच्छी तरह से कटिंग करती है। और इसके साथ साथ इस टायरों को भी हम खोल देंगे, ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह दे देंगे, क्योंकि काफ़ी देर होगी ऐसे मशीन पड़ी थी, हमने इससे काम नहीं लिया। तो पुरानी है तो ऐसे आप रिपेयर कर सकते हैं अपनी मशीन को खुद ही। तो मशीन के टायर हमने खोल लिए अच्छी तरह से, मशीन की आज साफ़ सफाई होगी। टायर मैंने खोल के वो देखिए अलग कर दिए हैं, और इसको हम ऑयल वगैरह देंगे, और फिर दोबारा फिटिंग करेंगे। और फिर जो हमारे गार्डन में ग्रास है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है कटिंग के बाद, फिर मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कटिंग होती है हमारी ग्रास की। और ये देखिए इधर मक्खन सिंह हमारे चाय पी रहा है। तो पहले हम वो काम कर लेते हैं, ब्लेड की धार अच्छी तरह से लगा लेंगे, और उसके बाद मैं फिटिंग करके कटिंग करके बताऊँगा कि ये कितना कामयाब हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि काफ़ी पुरानी मशीन है और मैं ऐसे ही काम चला लेता हूं। जब भी वो कटिंग नहीं होती घास की अच्छी तरह से, कटिंग रुक जाती है, तो मैं वो ब्लेड खोल के उसको मैं रिपेयर करा लेता हूं मशीन को, और ऑयल वगैरह दे के फिटिंग करके फिर मैं कटिंग करूंगा। तो ब्लेड को हमने मशीन के साथ लगा लिया है, अभी हम इसकी कटिंग चेक करेंगे कि कैसी कटिंग करती है जी मशीन हमारी। तो कटिंग चेक करते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग करती है, और मैं एक हाथ से काट रहा हूँ, और देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह से कटिंग कर रही है। तो ऐसे ही अगर मशीन पुरानी है तो आप नहीं भी बना सकते हैं, बस उसके जो कटिंग करता है वो ब्लेड का काम होता है। तो ब्लेड को आप अगर धार तेज करा लेंगे तो आपकी कटिंग भी, मशीन अगर पुरानी भी है तो भी अच्छी तरह से कटिंग। तो मैं सोच रहा था कि आज कटिंग का काम कर लूँगा, लेकिन मुझे काम पड़ गया था इसलिए थोड़ा बिजी हो गया था, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, किसी से मिलना था। तो वहाँ पर जब मैं आया तो काफ़ी अब अंधेरा हो चुका है, तो आज टाइम नहीं है, तो अब हम कटिंग कल करेंगे अपनी घास की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं फिर नई नेक्स्ट वीडियो में।